ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় সিসমিক জোন ফাইভে অবস্থান করছে ত্রিপুরা, তাই ভবিষ্যতে কখনোই রাজ্য ভূমিকম্পের সম্মুখীন হলে বিমান যাত্রীদের রক্ষার্থে পরিস্থিতি মোকাবেলায় আগরতলা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ কি ভূমিকা গ্রহণ করবে সেই প্রস্তুতি দেখতেই বৃহস্পতিবার NDMA এর নেতৃত্বে আগরতলা বিমানবন্দরের পুরনো ভবনে ভূমিকম্প মোকাবেলায় এক বিশেষ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই মহড়ায় NDRF, TSR, CRPF এবং রাজ্য পুলিশ সহ বিভিন্ন এজেন্সির প্রায় 200 জন অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া এদিনের এই মহড়ায় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার, MBB বিমানবন্দরের অধিকর্তা KC মিনা, রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে, ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির মেজর জেনারেল অজয় কুমার ভার্মা সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এদিন মহড়া শেষে বিস্তারিত জানান রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে। एयरपोर्ट में अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद कोई डिजास्टर होता है तो उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्स करें, तो उसके लिए ये बेसिकली पैसेंजर को कैसे सेव करें या कोई प्रॉपर्टी उसको कैसे सेव करें और कैसे हमें फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट उसके बाद कैसे हमें इसको हैंडल करना चाहिए। तो इसमें सारी एजेंसीज ने पार्टिसिपेट किया, CISF, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NDMA के रिप्रेजेंटेटिव, आप जान ही रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड मिस्टर वर्मा हैं यहाँ पर, साथ में हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, फायर सर्विस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आपदा मित्र हैं, जितनी भी एजेंसीज मतलब जो भी डिजास्टर में ज़रूरत होती है तो सारी एजेंसीज ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। और बेस्ट पार्ट इस जो एक्सरसाइज का था तो इसमें ये जो हमने सिमुलेशन किया कि जैसे पैसेंजर मान लीजिए जो अर्थक्वेक आता है तो उसमें पैसेंजर स्ट्रैंडेड कैसे हम उसे इवैक्यूएट करें, एरिया को कैसे कॉर्डन ऑफ किया जाए, उसके बाद कैसे हम रिस्पॉन्स करें, इसके हमने बहुत सारे स्टेप्स कर रखे थे कि जब ये होता है तो सायरन बजता है, उसके बाद फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है कि पता चलता है कि डिजास्टर हो गया है, अर्थक्वेक आया है और हमें रिस्पॉन्स करना शुरू करना है। उसमें डायरेक्टर जो एयरपोर्ट है उनका एक रोल है, साथ में हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स सिस्टम उसके कमांड एंड कंट्रोल का काम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा था। तो कैसे एक एक एजेंसी आएगी और उनके साथ आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करके पैसेंजर को कैसे सेव करेंगे, ये पूरी एक्सरसाइज की गई है और बहुत सारी लर्निंग की क्योंकि इतनी सारी एजेंसीज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की और लोकल लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो कैसे उसमें कोऑर्डिनेशन किया जाए और जब क्राइसिस आए तो बिना पैनिक हुए कैसे हम रिस्पॉन्स करें, यही सब हम लोग सिमुलेट किए और इसी काम में वो किया। তাছাড়া এদিনের এই মহড়ার মাধ্যমে ভূমিকম্প মোকাবিলার ক্ষেত্রে যে সমস্ত খামতি পরিলক্ষিত হয়েছে সেই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে আবারও মহড়ার আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।